की जांच रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, बिना मान्यता के चल रहे हैं देवबंद में 100 मदरसे। अल्पसंख्यक विभाग से भी मदरसों के संचालन की नहीं ली थी मंजूरी। 160 मदरसों में से 100 मदरसे बिना मान्यता के पाए गए। समय अवधि पर प्रशासन ने अल्पसंख्यक विभाग को भेजी रिपोर्ट। प्रशासन की सर्वे रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, यूपी सरकार ने दिए थे मदरसों के सर्वे के आदेश। सर्वे को लेकर आयोजित हुई थी मदरसा संचालकों की बैठक। तो खबर देवबंद से है, जहां पर प्रशासन की सर्वे रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है। यूपी सरकार ने दिए थे मदरसों के सर्वे के आदेश। सर्वे को लेकर आयोजित हुई थी मदरसा संचालकों की बैठक। देवबंद से खबर, जहां मदरसा सर्वे की जांच रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, बिना मान्यता के चल रहे थे देवबंद में 100 मदरसे। इस खबर पर हमारे साथ देवबंद से हमारे संवाददाता प्रशांत त्यागी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रशांत, देवबंद में 100 मदरसे बिना मान्यता के, गैर मान्यता के संचालित होते रहे, और जब सर्वे की बात आए तो सर्वे में खुलासा हुआ, आखिर जो प्रशासन वह क्या कर रहा था? जी बिल्कुल, ये जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो अगुवाई में बैठक हुई थी, उसी को लेकर सरकार ने दिशा निर्देश दिया था कि मदरसों का सर्वे कराया जाए। सर्वे में सबसे बड़ा खुलासा यही हुआ कि जिस प्रकार से देवबंद की बात करें, क्योंकि देवबंद एक इस्लामिक सबसे बड़ा मदरसों का एक बड़ा केंद्र माना जाता है, और यहाँ पर ही इस प्रकार से जो जांच में खुलासा होता है कि 100 मदरसे ऐसे थे जिनको अल्पसंख्यक विभाग की तरफ से कोई मान्यता नहीं थी, दूसरा और ना ही वो मानकों का वो प्रयोग कर रहे थे, क्योंकि एनबीसी कोड भी एक जरूर होता है हर स्कूल के लिए, क्योंकि मदरसा भी एक स्कूल की तरह ही होता है। लेकिन जिस प्रकार से ये कहीं ना कहीं एक अल्पसंख्यक विभाग कुंभकर्णी यहाँ पर नींद सोता रहा, अब आकर ये मामला जो खुलासा हुआ है, अब लोगों की नजर है कि सरकार इस पर आगे क्या कार्रवाई करती है। जी प्रशांत, देखा जाए लगातार जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, चाहे हम मुरादाबाद की बात करें, चाहे हम गोरखपुर की बात करें, अब देवबंद भी उसी कैटेगरी में आ गया है, तो आखिर ये गैर मान्यता प्राप्त जो मदरसे हैं, इन पर सरकार लगाम लगाने में कामयाब होगी? क्योंकि जिस तरह से सर्वे किया जा रहा है तो लगाम की बात कही जा रही है, तो क्या इस पर लगाम लगती हुई दिखाई देगा आने वाले समय में? जी लगाम की बात करूं तो अभी देवबंद में एक मदरसा संचालकों का एक सम्मेलन बुलाया गया था जो दारुलूम देवबंद के तत्वाधान में था। उस मदरसे के जो वहां पर जो एक निर्णय लिया गया था, जो मदरसे जो संचालक से निर्णय लिया गया था कि सरकार के इस फैसले के साथ हम जरूर हैं, लेकिन सरकार अगर किसी भी मदरसे के खिलाफ कोई अमान्य मदरसा उसमें पाया जाता है या कोई ऐसा मदरसा जो सरकारी जमीन पर बना हुआ है, तो ऐसे मदरसों के खिलाफ सरकार कार्रवाई कर सकती है, लेकिन बशर्त उस मदरसे को पहले नोटिस जारी किया जाए। और यहाँ तक भी उनको कहा गया था कि सभी मदरसा संचालक अपनी मान्यता अल्पसंख्यक विभाग से करा लें, अल्पसंख्यक जो मान्यता मदरसे जिसके अंतर्गत आते हैं वहां से अपने करा लें और कागज अपने बिल्कुल दुरुस्त रख लें। उसके बाद भी अब तक भी कहीं इस प्रकार की कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही है। जी प्रशांत, जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, अगर यह मदरसे मान्यता नहीं लेते हैं तो इनको बंद कर दिया जाएगा या इनको मुख्य धारा में मान्यता देकर लाया जाएगा वापस? जी बिल्कुल, मैं बेसिक बात करूं, यहाँ पर एक टेक्निकल चीज आती है, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार कानून, जब ये सरकार ने यहाँ पर लागू किया था, इस अधिकार के तहत में एक कुछ शर्तें जोड़ी गई थी, अगर किसी भी स्कूल को मान्यता लेनी होती थी तो उसके लिए एनबीसी नेशनल बिल्डिंग कोड और अग्निशमन विभाग से प्रमाण पत्र लेना जरूरी होता है, लेकिन उधर मदरसे को बिल्कुल मदरसों पर वो नियम लागू नहीं होते थे। अगर अब हालांकि कुछ जो चर्चाएं हैं, जो सूत्रों से जानकारी मिली है कि सरकार मदरसों को भी शिक्षा के अधिकार कानून के तहत लेकर आ रही है, अगर ऐसा होता है तो शिक्षा के लिए एक बहुत बड़ा ये मजबूत कदम होगा। जी चलिए प्रशांत जी, आप हमारे साथ जुड़े, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ हमारे देवबंद से संवाददाता प्रशांत त्यागी, जिन्होंने देवबंद में 100 से अधिक गैर मान्यता प्राप्त जो मदरसे संचालित हैं उन पर कार्यवाही हुई है।